की एक गांव है हमारे बगल की गांव की बेटी के साथ, एक गरीब परिवार की बेटी, उसके साथ जघन्य रूप से दुष्कर्म किया गया है। गांव का ही एक लड़का है और वो हैवानियत का शिकार उस बच्ची को 12 वर्षीय 11 वर्षीय लड़की है और खेत में उसको ले गया है, घर के ही बगल में खेत में एक मरई झोपड़ी के बगल में, और उसको मुंह बंद करके उसके साथ घिनौना जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का उसके साथ इस्तेमाल किया है। और पूर्ण रूपेण से हैवानियत, चूंकि हैवानियत इस रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ के डॉक्टर की टीम ने, जो डॉक्टर है यहाँ के स्वास्थ्य प्रभारी, जो लोग निरीक्षण किए उस बच्ची को, तत्काल रूप से उसको रेफर कर दिया गया है। बच्ची के माता पिता और बच्ची से ही हमारी बात हुई है, वो अपने साथ जो घटित घटना को बताया, उसे हमारा रोंगटे खड़ा है और उसके साथ दुष्कर्म करके, वहीं के गांव का भी लड़का है, उसका नाम फेकू और फेका कुछ नाम बताया जा रहा है, जिस नाम के लिए अभी हम लोगों ने इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक और कृष्ण मुरारी जी, डीएसपी साहब और कांटी थाना को संयुक्त रूप से दिया है, और उनको तत्काल रूप से 2 घंटा के अंदर में उस आरोपी को गिरफ्तारी करने की मांग किए हैं। चूंकि ये बच्ची बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कुछ सफेदपोश नेता उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं, उन नेताओं से भी कहना है कि इस केस में, इस घटना में बच्ची के साथ खड़े हो और उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो युवा शक्ति आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगी और आपसे भी रार लेने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है सर। बकरी चराने गया था, वो नहीं मुंह जांच के पटक दिया गेहूं में, गेहूं के में पटक के उसको साथ गलती किया है। बच्ची के साथ ब्लडिंग वगैरह भी हो रहा है। हाँ, जबरदस्ती।